हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आए हो दिवाली स्पेशल। तो आज हम लोग बनाएंगे दिवाली स्पेशल शक्करपारे की रेसिपी, एकदम मुंह में जाते ही खुल जाने वाले, एकदम खस्ता से बिस्किट के टेक्सचर जैसे शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं, देख ही सकते हैं यहाँ पर वीडियो में, और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ एकदम हलवाई के जैसे एक ट्रिक यूज़ करके आज हम लोग ये खस्ता से शक्करपारे बनाएंगे। तो आप लोग भी ये दिवाली स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल हमने लिया है और उसमें डाल दी है मैंने 3/4 कप के करीब पाउडर शुगर। तो यहाँ पर आपको 1/4 कप यानी कि 3/4 कप चीनी लेनी है, और उसमें यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है दूध। दूध आपको यहाँ पर यूज़ करना है 1/2 कप, किसी भी बड़ा भी कप हो या कोई ग्लास का भी मेजरमेंट आप लोग ले सकते हैं। यानी कि आप लोगों को अगर 1 किलो के शक्करपारे बनाने हैं 1 किलो मैदे के, तो 1 किलो जो मैदा है उसे आपको किसी भी बड़े से बर्तन में निकाल लेना है, उसी से सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो दूध और चीनी को बस हमें हल्का सा गर्म करना है। यहाँ पर दूध में ये जो चीनी है वो पूरी तरह से घुलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा एक तार वाली चाशनी वगैरह इस दूध की नहीं बनानी है, सिर्फ यहाँ पर हमें चीनी को दूध में अच्छे से घुलने देना है। और दूध हमने गर्म होने के बाद साइड में रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर घी का मोयन गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूरा 1/2 कप घी हमने लिया है और इसे एक तड़का पैन में हम लोग गर्म कर लेंगे। और जो दूध में हमने चीनी मिलाकर साइड में रखा था ना, वो भी हल्का सा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आटा तैयार करेंगे। तो एक बड़े से बोल में मैंने यहाँ पर 3 कप लिया है मैदा। तो सारे मेजरमेंट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अब ये जो शक्करपारे हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसका टेक्सचर एकदम बिस्किट जैसा खस्ता होने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच भर के बारीक वाला, जो फाइन वाला चिरोटी रवा या बॉम्बे रवा जिसे कहते हैं, सूजी कहते हैं, वो डाल देंगे। इससे हमारे शक्करपारे एकदम खस्ता हो जाते हैं। इसके बाद हमने इसमें चुटकी भर के करीब नमक भी डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ें मिला देंगे, और इसके बाद जो हमने 1/2 कप घी लिया था ना, अच्छे से मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इसे हम लोग फटाफट से डाल देंगे इस मैदे में। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर मैदे के शक्करपारे नहीं बनाना चाहते, आप लोग यहाँ पर मैदे की जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं 3 कप। तो चलिए अच्छे से ये जो हमने गर्म घी का मोयन इसमें डाला है ना, अच्छे से मैदे में इसे मिक्स करना है। और इसके बाद जब हमारा जो मोयन का घी है हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, हम लोग हाथ से इसे मिक्स कर सकते हैं। अभी घी का मोयन गर्म नहीं है, तो देख सकते हैं इस तरह से आपको मुट्ठी बनाकर देख लेनी है। इसका मतलब है हमने जो इसमें मोयन डाला है ना घी का, एकदम बराबर सी क्वांटिटी में हमने इसमें डाला है। चलिए अच्छे से घी इसमें मिक्स हो चुका है। इसके बाद जो हमने 1/2 कप दूध और 3/4 कप यानी कि 1/4 कप चीनी वाला मिक्सर गर्म किया था ना, वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। आप लोगों को इसमें ये दूध वाला जो मीठा दूध हमने बनाया था वो इसमें मिक्स कर देना है, और अच्छे से इसका आटा या डो तैयार करना है। यहाँ पर इसे इतनी ही क्वांटिटी की दूध की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दूध की ज़रूरत लगती है तो 1 या 2 चम्मच दूध आप लोग इसमें मिला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसमें एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ ली है। तो देखिएगा उतना ही दूध मैंने यहाँ पर लिया, और उसी से ही मैंने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दूध की या पानी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छे से यहाँ पर यह आटा अभी लग चुका है। अब हम लोग इसे 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आटा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नरम नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। जैसे हम लोग पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से आपको इसका आटा तैयार करना है। 10 मिनट तक इसे ढककर रख दिया था। 10 मिनट के बाद हमारा शक्करपारे बनाने के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। फिर से एक बार इसे गूंथ लेंगे, थोड़ा सा नरम बना लेंगे। और यहाँ पर शुरुआत में मैंने जैसे कहा था ना कि आज हम लोग एक अलग से ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे हमारे शक्करपारे एकदम खस्ता बनेंगे, जैसे बिस्किट का टेक्सचर होता है ना उसी तरह से। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से बेलन से थोड़ा सा पिछले हिस्से से इसे आप लोगों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कूट लेना है। इससे क्या होगा, हमारे शक्करपारे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से आपको इसे बेलन से या किसी भी हैवी चीज़ से आपको इसे कूट देना है। और इसके बाद आप लोगों को इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। इसकी साइड में जो क्रैक्स आ रहे हैं
है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि आटा थोड़ा सा सख्त है ना, इसीलिए आते हैं। लेकिन हम लोग इसे कट करने वाले हैं तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। देख सकते हैं मैंने उसी मैदे से एक थोड़ी सी मोटी वाली रोटी यहाँ पर बेल ली है और इसके जो साइड्स है, क्रैक्स यहाँ पर आई है, वो हम लोग चाकू की मदद से निकाल लेंगे। और यहाँ पर इसके बाद आप लोग इसके मन चाहे शेप में शक्करपारे कट कर सकते हैं। इसकी रोटी बेलते समय इसकी थिकनेस थोड़ी सी यहाँ पर जैसे वीडियो में मैंने दिखाई है उसी तरह से रखनी है, यानी कि थोड़ा सा मोटा होगा तो हमारे शक्करपारे और भी ज़्यादा खस्ता बनेंगे। चलिए फटाफट से मैं इसे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे इस तरह से कट कर लेती हूँ। आपको अगर डायमंड शेप में या काजू कतली का जो शेप होता है उसमें इसे कट करना है तो भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे शेप में स्क्वायर्स की तरह इसे कट कर रही हूँ। और अभी देख लीजिएगा इतना मैंने इसका थिकनेस रखा है, लेकिन फ्राई होने के बाद ये 3 से 4 गुना और भी ज़्यादा फूल जाते हैं, एकदम खस्ता बनते हैं। चलिए इसी तरह से मैंने सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए गैस के ऊपर कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो शक्करपारे फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर हम लोग इसे फ्राई करेंगे ना तो ये जल्दी से फटाफट से लाल हो जाएंगे, लेकिन 2 दिनों में ही ये नरम पड़ जाएंगे, खस्ता नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से 6 से 7 मिनट तक, आराम से इसे टाइम लग जाता है, 6 से 7 मिनट तक आप लोगों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हल्का सा सुनहरा गोल्डन रंग आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल्दी से लाल हो जाते हैं और अंदर वैसे के वैसे ही कच्चा सा टेक्सचर आ जाता है। तो इसे अच्छे से हम लोग गोल्डन होने तक फ्राई कर रहे हैं। देखिएगा मस्त एकदम खस्ता से हमारे शक्कर पारे 7 से 8 मिनट के बाद फ्राई होकर तैयार है। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, आज तो मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। चलिए सारे शक्कर पारे फ्राई होने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर देख ही सकते हैं शक्कर पारे कितने बढ़िया से फूल चुके हैं। इसका जो साइज़ है आप लोगों ने शुरुआत में देखा था कट होने के बाद, और फ्राई होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिएगा 2 से 3 गुना इसका साइज बढ़ जाता है, अच्छे से ये फूल जाते हैं और कितने ज़्यादा खस्ता और एकदम करारे बने हैं देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। सारा जो मेजरमेंट्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ शेयर की है सारी रेसिपी। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी दिवाली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, तो उसके लिंक्स भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दूसरी बैच भी अभी फ्राई होने के बाद यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर एक शक्करपारा जो बिना फ्राई किया हुआ है और ये हाथ में मेरे अभी आप लोगों को फ्राई किया हुआ है, इन दोनों में आप लोग थोड़ा सा फ़र्क देख ही सकते हैं कि ये फ्राई होने के बाद कितना ज़्यादा फूल जाता है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। तो इस दिवाली के टाइम पर आप लोग भी इस तरह से ये परफेक्ट एकदम खस्ता मुँह में जाते ही खुल जाने वाले बिस्किट जैसे शक्करपारे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अगर हमेशा की तरह आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या कोई और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।